नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटर एडमिशन 2022 के बारे में। दोस्तों जो भी छात्र एवं छात्रा 2022 या उससे पहले मैट्रिक का एग्जाम पास किया है वो अपना इंटर में आवेदन के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो इंटर का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा और क्या प्रोसेस है, कितना फी लगेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको फिर आगे चल के कठिनाई का सामना करना पड़े। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई देता होगा, उस पर प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इंटर का एडमिशन का ऑनलाइन का जो तिथि है वो जारी कर दिया गया है। आप किस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन का फॉर्म भर सकते हैं और कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटर एडमिशन, यहाँ पर कक्षा नामांकन की प्रक्रिया OFSS का जो पोर्टल होता है, यानी कि जो मेन साइट होता है ऑफिशियल साइट, वो OFSS पोर्टल के माध्यम से आपका 14 जून के बाद आपका यानी कि इस सप्ताह में ही आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों कल है 14 जून और कल से परसों तक ला जो आपका इंटर में ऑनलाइन अप्लाई आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए नीचे लेके चलते हैं आपको यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन फ़ी के बात किया जाए तो आपको 350 रुपया लगने वाला है। ये कन्फर्म नहीं है, इससे इसका जो है 150 बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये अभी तक अनुमानित लगाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट अभी जून ही लिख रहा है, यानी कि अभी कन्फर्म डेट यहाँ पर जारी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि इस 14 जून तक जो आपका आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर BPR 101/2022 इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर महाविद्यालय संवाददाता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय की सूची OFSS वेबसाइट पर अपलोड करने तथा उसके संबंध में दिनांक 14/6 तक आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि जो आपका एडमिशन है उसमें आवश्यक सूचना एक जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एतद द्वारा इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर महाविद्यालय संबंध प्राप्त डिग्री महाविद्यालय प्रधान प्राचार्य शिक्षक प्रस्थानों के विस्तार एवं संकाय सीटों की संख्या संबंधित शिक्षक OFSS वेबसाइट पर आपका अपलोड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कोई भी इस वेबसाइट के बारे में शिकायत दर्ज करना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं OFSS का जो यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर आप अपना जो है अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो भी आपको जो शिकायत दर्ज करने का समय 5 बजे तक ही आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए नीचे यहाँ पर चलते हैं, आपको बता देते हैं यहाँ पर किसी भी जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कैसे आवेदन करना है सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर चलिए यहाँ पर देख सकते हैं वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और मार्कशीट फोटो, यहाँ पर ये सब लगने वाला है आपका जो ऑनलाइन में जो है, आपको एक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और आपका जो मार्कशीट है वो लगने वाला है, फोटोग्राफी लगने वाला है। मार्कशीट है तो ठीक है, नहीं तो आप क्रोम पर से जाके अपना मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नीचे आपको लेके यहाँ पर चलिए दिखा देते हैं, यहाँ पर रोल नंबर आपको देना है, एडमिट कार्ड के हिसाब से आपको देना है, उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, डिटेल्स में मार्कशीट यहाँ पर लगेगा, और उसके बाद रिकॉर्ड एजुकेशन यहाँ पर जो भी होगा डिटेल्स मांगेगा, इसमें पर्सनल डिटेल उसमें आपको फिल करना रहता है। उसके बाद चलिए नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा तो इस पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद चलिए फिर से हम नीचे चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं व्यूज कॉलेज इन्फॉर्मेशन 2022-24, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कॉलेज के बारे में जानकारी आ जाएगा, किस आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कितना कॉलेज है, यहाँ पर सब में यहाँ पर सब पूरा लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया। और दूसरी नंबर बात, यहाँ पर एक और यहाँ पर सुविधा जारी किया गया, अगर आप सेम स्कूल जितना भी स्कूल था सब में कॉलेज जारी किया गया, यानी कि बहुत सारे लगभग 70% जो स्कूल था उसमें कॉलेज भी वहाँ पर जारी कर दिया गया, आप उसी में अपना एडमिशन ले सकते हैं, उसमें 1 रुपया भी फी आपको नहीं लगेगा और इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद बैक आ जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर कॉमिंग सून ही यहाँ पर लिख रहा है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ आवेदन कैसे करें, यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं नीचे आइएगा तो
यहाँ पे आपको पूरा कैसे आपको आवेदन करना है, कब तक करना है, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ अपडेट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं पोस्ट अपडेट जो है वो 12 जून को यानी कि कल का अपडेट यहाँ पर है और आपका लगभग कल या परसों से आपका आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बना के आपको यहाँ पर समझाने के लिए डाल दूंगा कि किस प्रकार से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।